हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्प्राउटेड चना और मूंग की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बच्चों को भी पसंद आएगी क्योंकि हमने उसमें आलू डाले हैं। तो ये मैंने मूंग और चना सवेरे पानी में भिगो दिए थे और शाम को पानी निकाल के उसे मलमल के कपड़े में बांध के रख दिया था, जो उसकी वजह से ये अंकुरित हो चुका है। तो अब मैं तेल में जीरा डालूंगी, गार्लिक और चिली पेस्ट डालूंगी, पोटैटोस डालूंगी और अब पोटैटोस को अच्छी तरह से तेल में मैं फ्राई कर लूंगी ताकि हमारे पोटैटोस आधे कुक हो जाए। अब मैं लीड लगा के 5 मिनट के लिए सीजने दूँगी। हम लो फ्लेम पर ये आलू को हम कुक होने देंगे ताकि जले नहीं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, हम उसको भी इसमें गलने देंगे और पकने देंगे। हमें इसे मैसी नहीं बनाना है पर हाफ कुक करना है। तो टमाटो को हम अच्छी तरह से कुक होने देंगे जिसकी तरह से खट्टापन आ जाए सब्जी में। अब मैं उसमें नमक डालूंगी जिसकी तरह से टमाटो अच्छी तरह से पक जाए। अब इसमें मैं अंकुरित हुए मूंग और चने डाल के मिक्स कर दूंगी और उसको भी हम तेल में धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि वो हाफ कुक हो जाए। और ये अब हम ढककर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये मूंग और चने थोड़े से गल चुके हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगी, मूंग अच्छी तरह से गल गया है। देखिए मूंग हाफ कुक हो चुका है। तब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। मैं हल्दी डालूंगी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून शुगर। शुगर ऑप्शनल है, आप अगर चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर शुगर ऐड करने से अच्छा टेस्ट आएगा। तो हम उसको सारे मसालों को पका लेंगे। ये एकदम प्रोटीन रिच सब्जी है जो इस कोरोना टाइम में हमें बच्चों और बड़ों को खानी चाहिए। तो थोड़ा सा 1 कप जितना ही मैंने पानी ऐड किया है वो बहुत। इसको लीड लगा के हम 3 विसल लगा के पका लेंगे। अब हम लीड हटा लेंगे। हमारी 3 विसल हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे मूंग और चने कुक हो चुके हैं। मैं आपको बताऊंगी, आलू भी अच्छी तरह से उसमें पक गए और एकदम मैसी हो चुका है। देखिए हमारा आलू एकदम मैसी हो गया है। तो ये आलू डालने से बच्चों को भी सब्जी पसंद आएगी। तो देखिए हमारा अंकुरित हुए चने और मूंग और पोटैटो की सब्जी। तो आप ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको रेसिपी